बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम क्लास। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस एंड लर्न अबाउट जूनोसिस एंड द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जूनोटिक डिजीज़ एज वेल एज द प्रिवेंशन फ्रॉम जूनोसिस एंड रोल ऑफ सम वर्टिब्रेट पेस्ट एज वेक्टर्स ऑफ जूनोटिक डिजीज़ एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल द रेबीज। So we will define zoonosis as a disease which can be transmitted to humans from animals. यानी ऐसी कोई बीमारी जो कि किसी भी एनिमल से, ख़ास तौर पर वर्टिब्रेट से इंसानों को लग जाए, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं zoonosis. And this term is derived from the Greek word zoon meaning animal and nosos meaning sickness. यानी अगर इसका लफ्ज़ी मतलब लिया जाए यूनानी ज़ुबान में तो क्या बनता है, एनिमल सिकनेस, यानी जानदारों का बीमार हो जाना। एंड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन कैन सर्व एज अ रिजर्वायर और कैरियर फॉर डिजीज दैट मे अफेक्ट ह्यूमन्स। पीपल हु अंडरटेक कंट्रोल प्रोग्राम्स और आर इन फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद वाइल्ड लाइफ शुड बी अवेयर ऑफ दीज डिजीज एंड हाउ टू टेक प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट दैम सेल्व्स। दिस सेक्शन डिस्कसिज सम डिजीज दैट वाइल्ड लाइफ कैरी एंड कैन अफेक्ट ह्यूमन्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट द जूनोसिस डेफिनेशन, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ ज़ूनोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज विच इज़ कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, वायरसेज और पैरासाइट्स दैट स्प्रेड फ्राम नॉन ह्यूमन एनिमल्स यूजली वर्टिब्रेट्स टू ह्यूमन्स। अब इससे लेक्चर में हम रेबीज़ डिजीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेबीज़ कैसे जो है वर्टिब्रेट्स इंसानों के अंदर लेके आते हैं और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं और किस तरह से रेबीज़ से बचा जा सकता है। So there are two common modes of transmission of zoonosis. Zoonosis have different modes of transmission. Like it can be direct zoonosis or indirect zoonosis. अब अगर हम direct zoonosis की बात करें तो this is the type of zoonosis that is coming into contact with the saliva, blood, urine, mucus, feces or other body fluids of an infected animal. Examples include petting or touching animals and bites or scratches. So in case of direct zoonosis, the disease is directly transmitted from other animals to humans through media such as air like influenza or through bites and saliva like rabies. So हम कह सकते हैं कि direct zoonosis के अंदर क्या होता है कि किसी भी जानदार का अगर saliva, blood, urine, mucus, feces या बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स को लग जाएं, और शर्त ये है कि वो जानदार क्या हो, इन्फेक्टेड हो, तो उससे क्या हो जाएगी, डायरेक्ट जूनोसिस। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट जूनोसिस, कमिंग इनटू कांटेक्ट विद एरियाज वेयर एनिमल्स लिव एंड रोम और ऑब्जेक्ट्स और सर्फेसिस दैट हैव बीन कॉन्टेमिनेटेड विद जर्म्स। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट जूनोसिस इंक्लूड एक्वेरियम टैंक वाटर, पेट हैबिटेट्स, चिकन कूप्स, बार्न्स, प्लांट्स एंड सॉयल एज वेल एज पेट फूड एंड वाटर डिशेज।
यानी कि ये चीज़ें जितनी भी हैं इनसे इनडायरेक्ट जूनोसिस हो सकती है, यानी हम एनिमल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे एक्वेरियम का टैंक वाटर हो सकता है या पेट का कोई हैबिटेट हो सकता है, तो वहाँ से भी ये ट्रांसमिट हो सकती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट ट्रांसमिशन कैन ऑल्सो अकर वाया एन इंटरमीडिएट स्पीशीज़ रेफर टू एज वैक्टर, यानी अब इसमें इंटरमीडिएट स्पीशीज़ होगी जिसको वैक्टर कहा जाएगा और जो इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करेगा, विच कैरी द डिजीज़ पैथोजन विदाउट गेटिंग इन्फेक्टेड, जो खुद तो इन्फेक्टेड नहीं होगा लेकिन वो उसको कैरियर का काम करेगा, उसके अंदर क्या होंगे डिजीज़ काजिंग पैथोजेंस पाए जाएंगे। व्हेन ह्यूमंस इन्फेक्ट अदर एनिमल्स इट इज़ कॉल्ड रिवर्स जूनोसिस और एंथ्रोपोनोसिस। सो देयर आर सम जनरल प्रिकॉशंस के हम ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है कुछ ना कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं, जिससे हम इस बीमारी से जूनोसिस से बच सकते हैं। लाइक वी कैन अवॉइड वाइल्ड एनिमल्स दैट आर सिक और बिहेविंग एबनॉर्मली, यानी वो एनिमल्स जो बीमार हैं या जो एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हैं उनसे हमने अवॉइड करना है। दिस इंक्लूड्स एनिमल्स दैट हैव लॉस्ट देयर फियर ऑफ ह्यूमंस, ऐसे भी इसमें जानदार शामिल हैं जिनको इंसानों का डर ख़त्म हो चुका होता है। इसी तरह से ऑलवेज वियर रबर ग्लव्स व्हेन स्किनिंग और एग्जामाइनिंग एनी वाइल्ड एनिमल, जब भी हम किसी वाइल्ड एनिमल की स्किन उतार रहे होते हैं या जब भी हम किसी को एग्जामाइन करने जा रहे होते हैं उसका सर्वे करने के लिए या वैसे ही उसको कुछ देखने के लिए, तो हमें क्या चाहिए कि हम रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करें। सिमिलरली प्रैक्टिस क्लीनलीनेस व्हेन वर्किंग विद वाइल्ड लाइफ, जब भी वाइल्ड लाइफ के साथ हम काम कर रहे हो तो हमें सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। डू नॉट ईट और ड्रिंक वाइल हैंडलिंग और स्किनिंग एनिमल्स एंड वॉश हैंड्स थोरोली व्हेन फिनिश्ड, यानी जब भी हम एनिमल्स के साथ इन कॉन्टैक्ट हों तो हमें खाना पीना नहीं चाहिए जब तक अपने हम हैंड्स को वॉश ना कर लें। एंड इफ़ यू बिकम सिक आफ्टर वर्किंग विद एन एनिमल टेल यूर फिजिशियन इमीजिएटली दैट यू हैव एनकाउंटर्ड और हैंडल्ड अ वाइल्ड एनिमल, लेकिन अगर आपको कभी लगे कि आपने किसी एनिमल के साथ जो है वो कांटेक्ट किया था और आप बीमार हो गए हैं, तो फौरन हमें किसी डॉक्टर के साथ जो है कांटेक्ट करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि इस वजह से भी शायद हम बीमार हो चुके हैं या हो गए हैं। सो द फर्स्ट जूनोटिक डिजीज़ वी विल डिस्कस हियर इन दिस स्लाइड इज़ द रेबीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट इट विद इन्फेक्शन। द रेबीज़ वायरस परसिस्ट इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम देयर इट स्प्रेड्स व्हेन एन इन्फेक्टेड एनिमल बाइट्स अनदर एनिमल और ह्यूमन। द वायरस अटैक्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड विच आई विल शो यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड। इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट जूनोटिक डिजीज दैट इज रेबीज। रेबीज इज अ डेडली वायरस स्प्रेड टू पीपल फ्रॉम द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। द रेबीज वायरस इज यूजली ट्रांसमिटेड थ्रू अ बाइट। Animals most likely to transmit rabies in the United States includes bats, coyotes, foxes, raccoons and skunks. But in case of developing countries of Africa and Southeast Asia, stray dogs are the most likely to spread rabies to people. यानी अफ्रीका और जो साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे जो पागल कुत्ते हैं या आवारा कुत्ते हैं उनके काटने से मोस्टली क्या होता है रेबीज डिजीज़ हो सकती है। सो वंस अ पर्सन बिगिंस शोइंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रेबीज द डिजीज़ नियरली ऑलवेज कॉजिज डेथ। एंड फॉर दिस रीजन एनी वन हु मे हैव अ रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग रेबीज शुड रिसीव रेबीज वैक्सीनेशन फॉर प्रोटेक्शन। अब हम रेबीज का जो है वो साइकिल देखते हैं कि रेबीज ट्रांसमिट कैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। द वायरस एंटर्स टिश्यूज फ्रॉम सलाइवा ऑफ बाइटिंग एनिमल, यानी कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल ने बाइट किया है तो उससे क्या हो गया वायरस एंटर हो गया है। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है वायरस रेप्लीकेट्स इन मसल नियर बाइट। एंड इन थर्ड स्टेप वायरस मूव्स अप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो ये आप देख सकते हैं उसका जो ट्रांसमिशन पार्ट पे है वायरस का, वो यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जा रहा है ब्रेन की तरफ, यानी वायरस ने अल्टीमेटली ब्रेन की इन्फेक्शन कर देनी है, एंसिफेलाइटिस कर देनी है। और फोर्थ स्टेप में अगर हम देखें द वायरस असेंड्स स्पाइनल कॉर्ड, तो वायरस अब क्या करेगा स्पाइनल कॉर्ड तक यहाँ तक पहुँच जाएगा। और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा द वायरस रीचेस ब्रेन एंड कॉजेज फेटल एंसिफेलाइटिस, यानी ब्रेन की सीवियर इन्फेक्शन का वायरस जो है वो बायस बनेगा। और सिक्स स्टेप में क्या होगा द वायरस एंटर्स सलाइवरी ग्लैंड्स एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ विक्टम, तो लास्ट स्टेप में क्या होगा कि वो सलाइवरी ग्लैंड्स में भी वायरस जो है वो या दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी जो है वो विक्टम के एंटर हो जाएगा।
तो ये है यूजुअल एक पाथवे वायरस की एंट्री का और वायरस की इन्फेक्शन का इन केस ऑफ रेबीज। सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी द बाइट ऑफ अ रैबिड एनिमल टू अ पर्सन। ये देखिए अब उसके हैंड पे जो है वो एक रैबिड किसी भी एनिमल ने काटा हुआ है, जिससे उसके दांतों के निशान वाजिया तौर पे नज़र आ रहे हैं उसके हाथ के ऊपर। सो इन दिस स्लाइड यू मे सी द वायरस लेडन सलाइवा कंटेमिनेट्स टिश्यू। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन विच अ वायरस लेडन सलाइवा कंटेमिनेट्स टिश्यू, दैट इज़ द बाइट ऑफ अ रैबिड डॉग। एंड इन सेकेंड स्टेप द वायरस एंटर्स इन टू स्केलेटल मसल सेल्स एंड डू रेप्लीकेशन। एंड इन द थर्ड स्टेप बर्डिंग इट बर्ड्स इन टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड अपटेक इन टू पेरीफ्रल नर्व एंडिंग्स। यानी वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से होता हुआ क्या होगा, नर्वस सिस्टम में एंटर हो जाएगा थ्रू पेरीफ्रल नर्व्स। वायरस कैन ऑल्सो एंटर पेरीफ्रल नर्व्स विदाउट मसल इन्वॉल्वमेंट। और अगर फोर्थ स्टेप में हम देखें तो यही वाला जो वायरस है इट रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये डायरेक्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो है यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा, ये जो यहाँ से इस मोड पाथवे से होता हुआ। एंड इन फिफ्थ स्टेप द रेप्लीकेशन विद इन वेंट्रल हॉर्न न्यूरॉन्स एंड डॉर्सल रूट गैंगलिया। अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है ये अपनी रेप्लीकेशन स्टार्ट कर देगा। एंड इन सिक्स स्टेप इन्फेक्शन ऑफ स्पाइनल न्यूरॉन्स एंड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट टू ब्रेन। अब ये क्या करेगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरॉन्स हैं उनकी भी इन्फेक्शन हो जाएगी और उनके एक्सोन से होता हुआ ये क्या करेगा, ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। एंड इन द सेवंथ स्टेप इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स, ये ब्रेन्स की भी न्यूरॉन्स की इन्फेक्शन कर देगा यानी एनसीफेलाइटिस कर देगा। एंड इन द लास्ट और एट्थ स्टेप डिसेमिनेशन ऑफ वायरस टू एक्स्ट्रा सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइट्स, फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स वाया क्रेनियल नर्व्स। अब ये क्रेनियल नर्व्स के जरिए होता हुआ जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स की तरफ भी आ जाएगा और इनकी भी इन्फेक्शन कर देगा। तो इस तरह से इसका ये जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि रेबीज जो है वो इंसान की बॉडी के अंदर कैसे जो है उसके ब्रेन तक और उसके सलाइवरी ग्लैंड तक पहुँचता है। दिस स्लाइड इज़ शोइंग द इमेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम रेबीज डिजीज़। और आप इसमें फोमिंग देख सकते हैं माउथ के अंदर जो है वो जो है इसके करेक्टरिस्टिक्स अलामत है। फोमिंग एट द माउथ इज़ द मोस्ट करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ रेबीज बिकॉज दिस हैपन्स एज द वायरस अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड द एनिमल और पर्सन कांट स्वेलो देयर सलाइवा। अब ये माउथ के अंदर जो है वो फोमिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वो पर्सन जो इन्फेक्टेड हुआ है इस रेबीज़ की वजह से वो अपने सलाइवा को जो है स्वेलो नहीं कर सकता है क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया हुआ है। इसी वजह से क्या होता है कि फोमिंग जो है माउथ के अंदर ऑब्जर्व की जा सकती है उस पर्सन के अंदर जिसको रेबीज़ डिजीज़ हुई होती है या जिसको इन्फेक्टेड एनिमल ने काटा होता है या बाइट किया होता है। सो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि रेबीज़ कैसे स्प्रेड करती है फ्रॉम वन एनिमल टू अदर एनिमल। A rabid animal, usually a bat, dog or a fox, bites another animal or a person and transmits the virus through saliva. यानी ये अपने saliva के through जो है virus को transmit करते हैं for 4 to 12 weeks। अब देखें 2 से तकरीबन 3 माह तक जो है virus जो है वो incubate किया रहता है body के अंदर, वो कोई भी illness की अलामत जो हैं इंसान के अंदर ज़ाहर नहीं होती हैं, यानी infection के बाद भी कोई अलामत फौरी ज़ाहर नहीं होती, बल्कि 2 से 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन ये वेरी करता है पीरियड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, द वायरस ट्रेवल्स फ्रॉम द नर्व्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। फिर वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ जाता है विच बिकम्स इन्फ्लेम्ड, जो सूज जाते हैं। द वायरस इवेंचुअली स्प्रेड्स टू द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड सिम्टम्स अपीयर इंक्लूडिंग फीवर, पेनफुल स्पैजम्स एंड फॉर्मिंग एट द माउथ। जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताया था कि फॉर्मिंग एट द माउथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। थर्ड स्टेप में क्या है, विद इन अ वीक द कैरियर इज़ कंटेजियस, यानी ये भी अब क्या कर सकता है, डिजीज़ को दूसरे तक मुंतकिल कर सकता है, ट्रांसमिटेबल हो चुका है एंड इज़ इन डेंजर ऑफ डाइंग। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स 1 डोज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंड 5 डोजेज ऑफ रेबीज वैक्सीन ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट अ मंथ। इफ़ ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड इमीजिएटली आफ्टर एक्सपोजर द रेट ऑफ सर्वाइवल इज 100%। यानी जब इन्फेक्शन हुई है और पता चल जाए कि इन्फेक्शन हो गई है तो अगर तब ही जो है ट्रीटमेंट कर ली जाए तो इंसान के सर्वाइवल के चांसेस 100% तक होते हैं। सो द फर्स्ट सिम्टम ऑफ रेबीज मे बी वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द फ्लू एंड मे लास्ट फॉर डेज।
बट लेटर साइंस एंड सिम्टम्स में इंक्लूड फीवर यानी बुखार हो जाता है, हेडेक, सर दर्द, नोज़िया, एंड नोज़िया इज़ एन अनप्लेजेंट डिफ्यूज सेंसेशन ऑफ अनईज एंड डिसकम्फर्ट ऑफन परसीव्ड एज एन अर्ज टू वोमिट। यानी नोज़िया जो है इसको मतली आना भी कहते हैं कि वोमिटिंग से जो पहले कैफियत हुई होती है, ऐसी अलामत भी हो सकती हैं, एंड वोमिटिंग जिसमें कह आ जाती है मतली, यानी कि जो है वो जो है उसके बाद वाली जो अलामत है कह आना है, एजिटेशन इसमें हो सकती है विच मीन्स अ स्टेट ऑफ एंगजाइटी यानी कन्फ्यूजन इसमें होगी, एंड हाइपर एक्टिविटी इसमें बेशुमार यानी हाइपर एक्टिविटी होगी, यानी पर्सन जो है वो एबनॉर्मली जो है वो एक्टिव हुआ होगा, अनयूजुअल एबनॉर्मल एक्टिविटी जो है हाइपर एक्टिविटी कहलाती है, एंड डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग यानी वो जो है स्वेलो नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ को, वाटर को भी या किसी चीज़ को, एक्सेसिव सलाइवेशन, सलाइवा उसके माउथ में बहुत ज़्यादा आएगा। सो रेबीज़ का जो पुराना नाम था वो हाइड्रोफोबिया था, विच मीन्स फियर ऑफ वाटर, एंड इट इज़ द हिस्टोरिक नेम फॉर रेबीज़। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ सिम्टम्स इन द लेटर स्टेजेस ऑफ एन इन्फेक्शन इन विच द पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, एंड इट शोज पैनिक वैन प्रजेंटेड विद लिक्विड्स टू ड्रिंक एंड कैन नॉट क्वेंच देयर थर्स्ट। यानी इसमें क्या होता है कि पानी से घबराता है इंसान, पानी नहीं पीता है, फियर ब्रॉट ऑन बाय अटेम्प्ट्स टू ड्रिंक फ्लूइड्स। अब उसकी रीज़न क्या है कि वो क्यों ड्रिंक नहीं कर पाता फ्लूइड्स को, बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, यानी उसे निगलने में क्या होता है डिफ़िकल्टीज़ हो रही होती हैं वाटर को, यानी कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग वाटर। हेलूसिनेशंस भी इसकी जो है सिम्टम है। हेलूसिनेशन मीनिंग दैट व्हेन समवन सीज, हियर्स, स्मेल्स, टेस्ट और फील्स थिंग्स दैट डजंट एग्जिस्ट आउटसाइड देयर माइंड, यानी कि ऐसा कुछ वहमो गुमान होना जो चीज़ एग्जिस्ट ना करती हो वैसा नज़र आने लग जाना, उसको कहते हैं हेलूसिनेशन, या कुछ ऐसी स्मेल या ऐसा टेस्ट फील होना जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। इंसोमनिया इसमें हो जाता है। सो इंसोमनिया इज़ द इनएबिलिटी टू फॉल असलीप और टू स्टे असलीप एट नाइट, यानी इसमें क्या होता है कि मोस्टली नींद आना, बेख्वाबी यानी जिसे हम कह देते हैं, एंड पार्शियल पैरालिसिस भी इसमें हो सकता है यानी आधा जो है फॉलज हो सकता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द काजेज ऑफ रेबीज इन द लास्ट स्लाइड्स। रेबीज लिजा वायरस इज़ द यूजुअल काजेटिव एजेंट ऑफ रेबीज, एंड रेबीज इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड बाय द रेबीज लिजा वायरस। सो द वायरस इज़ स्प्रेड थ्रू द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, एंड इन्फेक्टेड एनिमल्स कैन स्प्रेड द वायरस बाय बाइटिंग अनदर एनिमल और अ पर्सन, बट इन रेयर केसेज रेबीज कैन बी स्प्रेड वैन इन्फेक्टेड सलाइवा गेट्स इन टू एन ओपन वूंड और द म्यूकस मेम्ब्रेन्स सच एज द माउथ और आइज। दिस कुड अकर इफ एन इन्फेक्टेड एनिमल वर टू लीक एन ओपन कट ऑन यूर स्किन। रेबीज वायरसेज आर एनवेलप्ड एंड हैव अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, एंड द रेबीज लिजा वायरस हैज़ अ सिलेंड्रिकल मॉर्फोलॉजी, एंड इट इज़ द टाइप स्पीशीज ऑफ लिजा वायरस जीनस ऑफ द रेबडोवायरिडी फैमिली। सो इन दिस स्लाइड वी हैव अ लिस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द रेबिड एनिमल्स। द फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर इज़ वैक्सीनेट योर पेट्स। कैट्स, डॉग्स एंड फेरेट्स कैन बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रेबीज, एंड आस्क योर वेटिनेरियन हाउ ऑफन योर पेट्स शुड बी वैक्सीनेटेड। एंड द सेकेंड प्रिवेंटिव मेजर इज़ कीप योर पेट्स कन्फाइंड। When we keep the pets inside and supervise them when outside, this will help keep our pets from coming in contact with wild animals. And the third preventive measure is protect small pets from predators. Keep rabbits and other small pets such as guinea pigs inside or in protected cages so that they are safe from wild animals. These small pets can't be vaccinated against rabies. The fourth preventive measure is report stray animals to local authorities. Call your local animal control officials or other local law enforcement to report stray dogs and cats. Don't approach wild animals. Wild animals with rabies may seem unafraid of people. It's not normal for a wild animal to be friendly with people. So stay away from any animal that seems unafraid. And the sixth preventive measure is keep bats out of your home. Seal any cracks and gaps where bats can enter your home.
If you know you have bats in your home, work with the local expert to find ways to keep bats out. And the last preventive measure is consider the rabies vaccine if you are traveling. If you are traveling to a country where rabies is common and you will be there for an extended period of time, ask your doctor whether you should receive the rabies vaccine. This includes traveling to remote areas where medical care is difficult to find. So in this slide we will discuss about the treatment of rabies. If rabies is not treated immediately, it is fatal in humans. यानी अगर रेबीज़ को हम ट्रीट नहीं फ़ौरन करेंगे तो इससे डेथ भी हो सकती है. ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वैक्सीनेशंस फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव बीन पोटेंशियली एक्सपोज टू द वायरस. फोर डोजेज ओवर टू वीक्स आर रिकमेंडेड एज वेल एज इंजेक्शन ऑफ रेबीज इम्यूनोग्लोबिन विद द फर्स्ट डोज. सो द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रीटमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ ऑफ टाइम दैट हैज़ पास्ड सिंस एक्सपोजर. By the time clinical symptoms develop, it is too late to save the patient. Rabies vaccines may be safely used in all age groups. About 35-45% of people develop a brief period of redness and pain at the injection site. And about 5-15% of people may have fever, headaches or nausea. So if a human is bitten, the offending animal must be sacrificed immediately in order to confirm the presence of rabies. यानी अगर पता चल जाए कि एक rabid animal ने यानी dog ने अगर काट लिया है तो उसको kill कर देना चाहिए. The victim must undergo the series of vaccinations. So in this slide you can see the rabies vaccine. Rabies vaccine is a vaccine used to prevent rabies. There are a number of vaccines available that are both safe and effective. They can be used to prevent rabies before and for a period of time after exposure to the virus, such as by a dog or bat bite. The immunity that develops is long lasting after a full course. Doses are usually given by injection into the skin or muscle. After exposure, vaccine is typically used along with rabies immunoglobulin. So for individuals who have been potentially exposed to the virus, four doses over 2 weeks are recommended, as well as an injection of rabies immunoglobulin with the first dose. This is known as post-exposure vaccinations. For people who have previously been vaccinated, only a single dose of the rabies vaccine is required. So in this slide we will discuss about the manifestation of rabies. अगर हम rabies के हवाले से बात करें तो जो rabid animals होते हैं या infected animals होते हैं उनके अंदर दो तरह के behavior जो हैं वो arise होते हैं. ये पहला behavior जो है या तो वो बहुत ज़्यादा furious या aggressive हो जाते हैं या फिर वो paralytic semi paralytic type इख्तियार कर लेते हैं. वो किसी को काट नहीं सकते या अपना sounds पैदा नहीं कर सकते. So the disease manifests itself in two strikingly different forms of behavior. The first one is furious or aggressive and the second one is paralytic rabies. In the furious form, the typical mad dog symptoms are expressed. Yani pagal kutte jaisi alamat jo hai na wo zahir ho jati infected animal ke andar, with the victim running around. Wo infected animal jo hai wo bhagna shuru kar deta hai, biting and snapping at other animals or inanimate objects. वो दूसरे जानदारों को काटता भी है या फिर बेजान चीज़ों को भी इवन जो है वो काटना शुरू कर देता है या स्नैप करना शुरू कर देता है. हूव्ड एनिमल्स में बाइट एंड लैश आउट विद देयर लेग्स. तो जो खुरदार जानवर होते हैं सुमदार जिन्हें कह देते हैं या हूव्ड, तो वो क्या करते हैं वो दूसरे जानदारों को काटते हैं और अपनी टांगों से उन्हें मारते हैं. बट इन द लेस कॉमन पैरालिटिक फॉर्म एनिमल्स बिकम सेमी पैरालाइज. अब जो पैरालिटिक फॉर्म होती है उसमें जानदार थोड़ा बहुत जो है फालच ज़्यादा हो जाता है, मफलूच हो जाता है. एंड दे ड्रॉप देयर जॉज, वो अपने जबड़ों को नीचे की तरफ कर लेते हैं. एंड कैन नॉट बाइट, और फिर किसी को काटते नहीं हैं और प्रोड्यूस साउंड ना ही साउंड पैदा करते हैं. तो जो ज़्यादातर जो हैं वो एनिमल्स जो कि रेबीज़ का बायस बनते हैं मोस्ट कॉमनली, उनमें आते हैं स्कंक्स, कोयोटीज़, डॉग्स, फॉक्सिस, बैट्स एंड रैकून्स. तो ये जो हैं दे आर द रिजर्वायर्स ऑफ रेबीज. सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी द इमेज ऑफ अ रैकन. तो रैकन जो है ये एक नॉर्थ अमेरिकन स्पीशीज़ है जो कि नेटिव है नॉर्थ अमेरिका की,
और रैकन जो है इसकी बॉडी लेंथ जो है 40 से 70 सेंटीमीटर तक होती है, इसका वेट 5 से 26 किलोग्राम तक हो सकता है। एंड इट हैज़ अ ग्रेइश कोट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ डेंस अंडर फर विच इंसुलेट्स इट अगेंस्ट कोल्ड वेदर। इन दिस स्लाइड यू आर वॉचिंग द इमेज ऑफ स्कंक्स विच आर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन मैमल्स एंड दीज एनिमल्स आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू स्प्रे अ लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल। एंड द मोस्ट कॉमन फर कलर अमंग दैम इज ब्लैक एंड वाइट, बट सम स्कंक्स आर ब्राउन और ग्रे एंड अ फ्यू आर क्रीम कलर्ड। And this is the last slide of this lecture showing the coyotes. The coyotes or Canis latrans is a species of canine which is native to North America. It is smaller than its close relative, the gray wolf, and slightly smaller than the closely related eastern wolf and red wolf.